हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। प्रसन्न रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है और इसको आप अच्छे से कर लें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों के सवाल आप निरंतर पूछते हैं हमसे और आपके प्रश्न आते हैं। आप सबने शालिग्राम के बारे में जानना चाहा है और शालिग्राम के बारे में आज हम अपना इस अंक में आपको शालिग्राम के महत्व के बारे में बताएंगे, शालिग्राम के अभ्युदय के बारे में बताएंगे और शालिग्राम किस तरह से काम करता है, कौन व्यक्ति इनको रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, क्या कुछ है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे आपके लिए। तो आइए शालिग्राम के बारे में आपको बताते हैं कि शालिग्राम असल में कैसे होते हैं, असली शालिग्राम कौन से हैं, वास्तविक शालिग्राम कैसे होते हैं, क्या उनकी विधि विधान, इस पर आज चर्चा करते हैं। आइए, शालिग्राम जो नेपाल है, नेपाल से गंडक नदी निकलती है, वहाँ से शालिग्राम का अभ्युदय होता है। शालिग्राम एक बहुत ही करामाती और बहुत ही कीमती एक प्रस्तर स्वरूप है देवता के, परमात्मा के, जिनमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु का वास होता है इनमें। प्राय सामान्य रूप से जो शालिग्राम बाज़ार में आपको मिलते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये शालिग्राम आपको बाजार में मिल जाते हैं। ये जो इस पर चक्र उत्कीर्णित है ये स्वाभाविक रूप से होता है। ये विष्णुपाद जो ओनेक्स के विष्णुपाद हैं, ओनेक्स एक स्टोन होता है, उस पर विष्णुपाद बने हैं, इन पर हमने इनको रखा हुआ है और इस पर इनको रखते हैं। ये अलग अलग तरह की रूप आकृतियों में शालिग्राम बाजार में, बहुत प्रकार के शालिग्राम हैं, प्राय 7 प्रकार के शालिग्रामों का वर्णन मिलता है। ये अलग अलग आकृतियों में आपको प्राप्त होते हैं, जिनको आप अपने घर में विद्यमान करते हैं और आपके घर की सुख शांति आरोग्य समृद्धि संपदा इस सबको बढ़ाते हैं। बहुत महंगी चीज़ नहीं है, बस ओरिजिनल मिल जाए, असली चीज़ इसकी होती है। ये शालिग्राम का एक सामान्य स्वरूप है जो सब जगह आपको देखने को मिलते हैं और आप उनको देखते हैं। अब मैं इसी क्रम में आपको और इसके बारे में और जानकारी आपको देता हूँ। इसके बाद एक शालिग्राम आते हैं जो इस तरह के होते हैं। इन शालिग्राम को, ये शालिग्राम भी मिल जाते हैं सामान्यतः, लेकिन वही मैंने कहा कि बहुत से लोग उनको उत्कीर्णित करके बेचते हैं, वो नहीं लेना चाहिए, ओरिजिनल शालिग्राम लेना चाहिए। इनको दक्षिणमुखी शंख के साथ रखें तो और अच्छा प्रभाव इनका आता है। और दक्षिणमुखी शंख की भी विशेषता ये है कि दक्षिणमुखी, इसमें ये गोल्ड का कॉइन रखा है, दक्षिणमुखी शंख की विशेषता यह है कि उत्तर दिशा में इसकी टिप होनी चाहिए और दक्षिण दिशा में इसका जो पृष्ठ भाग है, ये बहुत छोटा सा दक्षिणवर्ती शंख है, ये भी भगवान विष्णु के वास का इसमें महत्व है, इसको रखते हैं। तो ये ऐसे करके हमने इसमें रखा हुआ है। ये शालिग्राम भी मिलते हैं चांदी की प्लेट में, चांदी की थाली में हमने रखा है। आप किसी भी धातु में रख सकते हैं, आप इसको कास्ट में रख सकते हैं, चंदन की प्लेट में रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में कर सकते हैं आप इनको रखें। दूसरे प्रकार के शालिग्राम होते हैं ये। किसी भी शालिग्राम के साथ आप दक्षिणवर्ती शंख को रख सकते हैं और आप तुलसी मंजरी को रख सकते हैं। तुलसी मंजरी के साथ इनका बहुत अच्छा महत्व माना गया है और तुलसी मंजरी साथ रखने से हमारे घर की जो समृद्धि है वो बनी रहती है, हमारा स्वास्थ्य बना रहता है, हमारे घर में आरोग्यता बनी रहती है, हमारे संबंध मधुर और अच्छे बनते हैं और हमारा यश और कीर्ति और सभी दिशाओं में हमारा प्रस्तारित होता है। जो बच्चे इसके दर्शन करते हैं उन बच्चों के ज्ञान बुद्धि विवेक में बल में वृद्धि होती है। ये दूसरे प्रकार के शालिग्राम थे। 7 प्रकार के शालिग्राम होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो एक शालिग्राम है उनकी तरफ चलेंगे। उनसे पहले एक और शालिग्राम आपको दिखाता हूँ। ये शालिग्राम भी गंडक नदी से ही प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे 1000 शालिग्रामों में से सिर्फ 10 शालिग्राम ही ये देखा, मतलब 10 शालिग्रामों को ही ठीक से निकाल पाने में सफलता प्राप्त होती है। इन शालिग्राम में क्या होता है कि इस तरह का एक प्रस्तर प्रखंड होता है, एक या ऐसे पत्थर की तरह ये होते हैं, ब्लैक कलर का पत्थर होता है। इसमें मंत्रोच्चारण के साथ ये पता लगाया जाता है कि इसका श्रीमुख कहाँ है और किस तरह से इसको हमें किस विधान के साथ इसको तोड़ना है ताकि हम दर्शन कर सकें सुदर्शन चक्र का, भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन कर सकें। वो विधि विधान है, उससे इसको करना होता है, जो बहुत कम लोगों को जिसकी जानकारी होती है। तो जब हम इसको, इसमें देखिए पूरा का पूरा ये ऐसे बना हुआ है तो इसमें चोट मारी जाती है पर्टिकुलर देख करके कि कहाँ पर हमें चोट करनी है। इस चोट के बाद जब इसको हम
निकालते हैं तो इसमें ये राधा कृष्ण कहें, शिव पार्वती कहें, विष्णु महेश कहें, ये इस तरह के दर्शन इसमें दो चक्र, ये स्वाभाविक रूप से ये ओरिजिनल हैं, ये ऐसे ही इसमें उत्कीर्णित होते हैं और जब इसको मिला देते हैं तो जोड़ा पूरा हो जाता है। ये बहुत शुभ है, इसका दर्शन करना भी बहुत शुभ है। जैसे ही आप इसका दर्शन कर रहे हैं वैसे ही अपने अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, श्री हरि का नाम जाप करें। यह बहुत अद्भुत और बहुत ही शानदार और बहुत ऐसी एक चीज़ है जो बहुत दुर्लभ है, कोई इसकी कीमत नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत ही सस्ता और सुलभ भी है। इसमें जो आप ये चमक देख रहे हैं ये सारी चमक है, इसमें हमने रूह मोगरा का प्रयोग किया है, इसके बारे में भी बताऊँगा आपको। ये दूसरे प्रकार के शालिग्राम, ये एक विशेष शालिग्राम ये हो गए। फिर इसके बाद मैं आपको सबसे जो अति विशिष्ट हैं उनकी तरफ ले चलता हूँ। तीसरे जो क्रम में हम जिनकी व्याख्या कर रहे हैं वो शालिग्राम हैं, ये अति विशिष्ट शालिग्राम हैं। तुलसी मंजरी का साथ है और इसके साथ साथ इनको रखा जाता है वैजयंती के बीजों के साथ, ये भी उसी तरह से जोड़े के स्वरूप में हैं। और इनको हम जब हम इनको जहाँ पर इन पर इनका मुख होता है वहाँ से इनको हम दो विभागों में विभाजित करते हैं और ये इस तरह से होते हैं। इन सब में दो चक्र, आपको सुदर्शन चक्र कहें इनको, भगवान का वास कहें, और इनमें इनको जो भी आप माने उस तरह से इनकी आकृतियां बनी होती हैं। और इनमें आप देख रहे होंगे थोड़ा सा जो ये एक जो स्वर्णिम आभा लिए हुए है, हल्का सा गोल्डन पंच है बीच में, बहुत छोटा सा, ये अगर आप देख पा रहे हो ठीक से, बहुत छोटा सा है। तो कहा जाता है कि इनके श्रीमुख में ये एक आशीर्वाद था देवी का, लक्ष्मी का, पार्वती का आशीर्वाद था कि इनके श्रीमुख में वास होगा, स्वर्ण का, सोने का वास होगा। तो सोने का बहुत छोटा सा तंतु प्राय सभी शुद्ध शालिग्रामों में रहता है। इनको रखा जाता है अधिकतर वैजयंती के बीजों के साथ या वैजयंती की माला के साथ। इन बीजों का आप जाप कर सकते हैं, इन बीजों की माला बनाकर गले में धारण कर सकते हैं। इस श्री विग्रह के साथ भी इस वैजयंती के बीजों की माला को आप स्थापित कर सकते हैं, पास में रख सकते हैं। ये आप किसी भी पूर्णिमा को, शालिग्राम की स्थापना किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को कर सकते हैं, किसी भी भगवान विष्णु के जो अवतार हैं 10 अवतार हैं उनकी जयंती से प्रारंभ कर सकते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, ये भगवान विष्णु का इसमें वास होता है। इसके बारे में मान्यता ये है शालिग्राम के बारे में, इसमें देखिए स्पष्ट रजत स्वर्ण के अंश आपको दिख रहे होंगे। इसके बारे में स्पष्ट मान्यता ये होती है कि इसकी जो प्रकीर्णन अवधि है, जो दीर्घा है, यानी कि ये कितनी दूरी तक प्रभाव छोड़ता है, वो 5 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक होती है। जहाँ इसकी स्थापना होती है वहाँ 5 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक इसके शुभत्व का प्रभाव व्याप्त रहता है, इसका शुभत्व दिगंत तक फैलता है। और 15 किलोमीटर तक की अवधि में जो भी लोग होते हैं, जो भी लोग जहाँ रहते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत आनी प्रारंभ हो जाती है। आप इनको श्वेत चंदन से तिलक कर सकते हैं, श्वेत चंदन से इनको अर्घ समर्पित कर सकते हैं, श्वेत चंदन से इनके आसपास इनको आप इनकी परिक्रमा कर सकते हैं अपने हाथों से ही, और इनके जो मंत्र मैंने बताया उनका उपयोग कर सकते हैं। नहीं भी करें तो घर में रखने भर से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस पर आप देख रहे होंगे जो हमने एक रूह मोगरा का प्रयोग किया है, रूह मोगरा एक इत्र होता है, रूह मोगरा ये बहुत कम जगह प्राप्त होता है। ये चांदनी चौक में एक बहुत बड़ी एक इसका स्थान है, वहां से आप ले सकते हैं। रूह मोगरा की एक ड्रॉप आपने बस इसको लगानी होती है, और रूह मोगरा का एक छोटा सा बिंदु आप ले लें और उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि का नाम लेते हुए, श्री हरि ही ओम ये बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, ये बोलते हुए एक छोटा सा, इसमें देखिए इसको हाथ से नहीं लगाते हैं कभी भी, एक इसमें कांच की छोटी सी स्टिक लगी है, ये इत्र की छोटी सी बोतल है, ये 10 ml की, इसमें ये इसको लेते हैं और ऐसे इसको इस पर लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इस श्री विग्रह स्वरूप को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम जो उपाय है उनमें यही है कि आप इनको गुड़हल, कनेर, कमल, इन पुष्पों से आप इनका इनकी प्रार्थना करें, अर्चन करें, आप इनको रूह मोगरा का तिलक लगाएं, आप इनको चंदन का प्रयोग लगाएं। आप इन पर एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ से शुद्ध केसर अगर आपके पास है तो शुद्ध केसर भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं। शुद्ध केसर अर्पित करने से भी विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं और बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। इनकी उपस्थिति भर ही आपके घर में बहुत सारे शुभत्व को पैदा करते हैं।
करती है और बहुत सारे शुभ संकेतों को उत्पन्न करती है। आप अपने घरों में जब भी संभव हो आप कोशिश करें कि शालिग्राम को लेकर के आएं, उनको अपने घर में स्थापित करें और भगवान विष्णु का पूरे मन से, पूरे प्राण से उनकी आराधना करें, उनके प्रति समर्पित हों। और इनको आप अपने घर में जैसे रखना प्रारंभ करेंगे, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें वो होने लगेंगी जो अब तक कभी नहीं हुई थी। ये बहुत ही शुभत्व को लिए हुए होते हैं और साक्षात विष्णु का वास होता है। बहुत महंगे नहीं होते, मिलते मुश्किल से हैं बस। अगर मिल जाएँ तो बहुत आसान है और आप दोनों तरह से रख सकते हैं, स्वच्छंद भी रख सकते हैं जो शालिग्राम होते हैं जो मैंने दिखाया आपको पहले नंबर पर, और आपने कहा जोड़े के साथ जो बंद स्वरूप है उसको भी रख सकते हैं। जब हम दर्शन करते हैं या इन पर पुष्पमंजरी चढ़ाते हैं तब इनको खोलना होता है, बाकी समय में इनको हम बंद करके रख देते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपका कोई प्रश्न आपके मन में कहीं चल रहा है वो आप मुझे नीचे कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस शंका का समाधान भी कर सकें। जिनके घरों में श्री विग्रह के रूप में शालिग्राम विराजित हैं उन सबके लिए बहुत बहुत आशीष और बहुत शुभकामनाएं। जिनके घर में नहीं है वो इसकी कोशिश करें, प्रयास करें। और जैसे मैंने बताया शंख, तुलसी मंजरी, विभिन्न प्रकार के पुष्प और विष्णुपाद और केसर, रूह मोगरा, ये सब अगर इनके साथ रख सके तो बहुत उत्तम है। नहीं भी कुछ कर सके तो चंदन ले लें। चंदन में भी एक बात और आती है खास तौर से कि चंदन जो बाजार में बना बनाया मिलता है उससे बचें, उसमें कई बार मिलावट होती है। चंदन की आप संविधा लेकर के उसका बुरादा बनवा लें, उसका बुरादा बनवा करके अपने पास घर में रखें। चंदन की लकड़ी लेकर के, समिधा लेकर के उसका एक शुद्ध स्वरूप में ऐसा बुरादा बनवा लें, फिर उसको जब घोल करके आप लगाएंगे तो अच्छा होगा। इसको सूखा भी लगा सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा माना गया है, बहुत अच्छा रहता है। इससे ही तिलक करना चाहिए, इसी को अर्पित करना चाहिए, इसी को लगाना चाहिए। लेकिन जो चंदन की बट्टियाँ बाजार में बनी बनाई मिलती हैं सफ़ेद चंदन की, उनमें खड़िया होती है या वैसे ही वो बहुत प्रकार की मिट्टियों से या उस तरह से बनाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। जितनी भी चीज़ इस्तेमाल करें कोशिश करें कि शुद्ध ले सकें और अच्छी ले सकें, वरना ना लें। सिर्फ आप गंगा जल का एक छींटा भर अगर श्री विग्रह के रूप में शालिग्राम को लगा देते हैं उससे पर्याप्त पुण्य आपको अर्जित होगा, बहुत लाभ आपको मिलेगा। आप एक चावल के कुछ अक्षत के दाने इनके पास रख सकते हैं, आप इनके पास केसर रख सकते हैं, जो आपको मिले आप वो रख दें। कुछ भी नहीं रखेंगे और सिर्फ इनको रख करके तुलसी मंजरी ही अर्पित कर देंगे तो भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके बहुत सारे प्रश्न जो जीवन में चलते हैं वो सब प्रश्न गिर जाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि का उदय हो, आपके जीवन में श्री हरि का वास हो, आपके जीवन में सभी तरह की संपत्तियों का वास हो और आप खूब फले फूलें, यही हमारा उद्देश्य है और इसी की हमारी आपको शुभकामना है। ओम स्वस्ति अस्तु।